250 साल पहले तक भारत इंडिया एज अ सिविलाइजेशन दुनिया में नंबर वन पर था साइंस में, सबसे बड़ा ट्रेडर था, सबसे बड़ी इकोनॉमी था, एक समय 38% दुनिया का जीडीपी भारत में था, अभी अमेरिका के पास 14% है। तो हम जितना अमेरिका अभी आपको रिच दिखता है उससे लगभग 3 गुने ज्यादा रिच थे उस दुनिया में। हमने मैथमेटिक्स में मार्वलेस काम किया, हमने शल्य चिकित्सा को इन्वेंट किया, हमने बॉटनी में इतना बड़ा काम किया कि आयुर्वेद आ गई, हमने यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी ऋग्वेद में, ऋग्वेद इज द ओनली बुक विच इज द मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ द एज ऑफ द ब्रह्मा विच इज ब्रह्मांड। जो चाणक्य की थ्योरीज हैं वो बराक ओबामा ने 2009 में इकोनॉमिक क्राइसिस में लगाई थी। हमने बाइनरी नंबर को इन्वेंट किया, हमने फिबोनाची सीरीज इन्वेंट किया। फिबोनाची की अपनी किताब में लिखा हुआ है कि इंडिया ने इन्वेंट किया, लेकिन वो पन्ना फाड़ दिया उन लोगों ने। तो हुआ क्या, ऐसा कैसे हो गया कि हम सडनली हम बोलते हैं कि इंडिया में कोई साइंस की रिकग्निशन नहीं है, इंडिया की कोई रिकग्निशन नहीं होती, ये कैसे हो गया? सोचने की बात है।